सामने सुबह मेरा नाम फहीम महबूब है, मैं KCC में हूँ, एक मल्टी नेशनल में एज ए मैनेजर फाइनेंस एंड टैक्सेशन काम कर रहा हूँ। आज का जो लेक्चर है इसमें हम ये सीखेंगे कि जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है उसका हमने जो टैक्स है इंस्टेंट जो पॉकेट कैलकुलेटर है उसके ज़रिए हमने जो टैक्स है वो कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये एक टाइम सेविंग टेक्निक भी है, उसमें जो चांसेस ऑफ एरर हैं वो भी कम है, और इसका जो जब आप काम करें तो इसमें आपकी वर्किंग के ऊपर भी आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। क्योंकि होता क्या है कि किसी भी जगह पर अगर आप काम कर रहे हैं तो क्योंकि आजकल हर कंपनीज ने कहीं ना किसी सूरत में कोई बिल्डिंग या वेयर हाउस या कोई आउटलेट रेंट पर ली होती हैं, तो उसमें फ्रीक्वेंटली आपको टैक्स को कैलकुलेट करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी जो वर्किंग है वो जो क्लरिकल काम है वो बढ़ता रहता है। तो इसको कंट्रोल ओवरकम करने के लिए एक इंस्टेंट जो कैलकुलेटर है वो बनाया गया है, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो जो आपका जो काम है वो जल्दी तो जल्दी होगा, प्लस उसमें जो चांसेस ऑफ एरर है वो भी कम होंगे। तो ये एक इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एक सेक्शन है जो बड़ी डिटेल से हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो सेक्शन अंडर सेक्शन 155 के इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हमने रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, उसके बाद इसकी फाइलिंग वगैरह का हम सारा प्रोसेस पढ़ चुके हैं। अभी सिर्फ हम ये देखेंगे कि फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग आपने परचेज की है और उसका रेंट है 40,000, तो उसके बाद एनुअल रेंट है, एनुअल रेंट लेट्स से ज़ूम करते हैं, क्योंकि मैंने हमने जो प्रॉपर क्लासेस ली थी उसमें मैंने आपको सिखाया था कि रेंट जो है वो अक्रूअल बेसिस पे कैलकुलेट होता है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई आप 12 से करें तो एनुअल रेंट बनता है लेट्स से 4,80,000। तो उसके बाद हमने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि जो बिल्डिंग है जिसका रेंट पे कर रहे हैं क्या वो कंपनी से आपने परचेज की है या वो आपने अदर कंपनी में क्या है, इंडिविजुअल है, बिजनेस इंडिविजुअल है और AOP है। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट आपने अगर कंपनी से परचेज की है तो ये स्टेटस क्या आप दे देगा कि टैक्सीबल है। उसके बाद चूँकि कंपनी के अंदर कोई स्लैब नहीं होते तो डायरेक्ट हमने 15% जो टैक्स है वो अप्लाई होता है, तो ये 72,000 जो इसका टैक्स बनता है टोटल, यानी 15% रेट है और उसने क्या किया 4,80,000 पे 15% अगर अप्लाई करें तो 72,000 बनता है। इसी को अगर हम ज्यूम करें तो हम ये सिलेक्ट करते हैं बिजनेस इंडिविजुअल, तो क्या होगा कि ये स्लैब 2 है। ये स्लैब कहाँ से आए अगर हम डिटेल में देखें तो हमने ऑलरेडी ये स्लैब रेट देख चुके हैं कि 2 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 2,01,000 से 6,00,000 तक 5% है, देन 6,01,000 से लेके 1,000,000 तक 20,000 पिछली स्लैब का और 10% है, और ये स्लैब है जो करंट टैक्स पीरियड में मेंशन है। इसी स्लैब को बेस बना के ये फार्मूला डिज़ाइन किया गया, तो ये स्लैब 2 में फॉल कर रहा है। जो स्लैब कहाँ से स्टार्ट हो रही है 2,01,000 से स्टार्ट हो रही है, और स्लैब एंड कहाँ पर हो रही है 6,00,000 पे, तो स्लैब का रेट क्या है 5%, तो 2,00,000 तक तो एग्जम्प्ट है। बाकी जो अमाउंट है 2,80,000 उसके ऊपर 5% कितनी अमाउंट बनती है 14,000 रुपये। इसका मतलब क्या है कि ये जितनी भी अमाउंट होगी आप जस्ट यहाँ पे अमाउंट पुट करेंगे, लेट से पर मंथ रेंट है 1,000,000 1,00,000, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, 1,000,000 आता है तो 1,000,000 के ऊपर जो फिक्स टैक्स होगा, यानी कि जो 1,000,000 से पीछे पीछे की जो स्लैब है उसके ऊपर फिक्स टैक्स कितना है 60,000, तो उसके बाद जो अगला जो 2,00,000 है उसके ऊपर 15% कितना बनता है 30,000, तो 60,000 ये और 30,000 इन दोनों को आप जमा कर लें तो 90,000 जो टैक्स है वो बनता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपने ड्यूरिंग द पीरियड को बिल्डिंग परचेज की है तो उस टाइम उसको हमने कैसे ज्यूम करना है। तो 1,00,000 है लेट से, तो अगर आपने दिसंबर में बिल्डिंग परचेज की है तो आपने दिसंबर से जून तक मंथ काउंट करने हैं, दिसंबर से लेकर जून तक 7 महीने बनते हैं, तो आप 7 × नंबर ऑफ पर मंथ रेंट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास टैक्स आ जाएगा। अब ये कितने महीनों का टैक्स है, ये 7 महीनों का है। हर महीने के रेंट में आप इक्वल अमाउंट इसको 30,000 / 7 कर देंगे और हर महीने के रेंट में इक्वल अमाउंट आप डिडक्ट करते जाएंगे। ये बड़ी डिटेल से हम इस शीट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी डिडक्शन की शीट भी देखी हुई है कि जो ऑलरेडी डिडक्ट टैक्स है उसको हमने कैसे काउंट फॉर करना है। तो ये एक डिटेल चीज है फॉर वर्किंग कि जब सब्सिक्वेंट आपको नोटिस आए या अगर आपने रिकंसलेशन बनानी है तो उसके लिए आपने इस शीट को फॉलो करना है, और कंपनी के लिए ये शीट बनाई गई है। इसी तरह टैक्स डिडक्शन की ये शीट है, और प्रीपेड रेंट की जो एंट्री है वो आपने कैसे करनी है, तो सारी चीज़ें ऑलरेडी आप प्रॉपर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो आज का जो इस लेक्चर था इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने जो सीखा है सीखना था वो इंस्टेंट पॉकेट कैलकुलेटर है कि इसको हमने यूज़ कैसे करना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल 1,00,000 रुपये पर मंथ अभी रेंट है, ठीक है, और कुछ देर के बाद वो रेंट आपका बढ़ जाना है, यानी कि जुलाई से दिसंबर तक 1,00,000 है और जनवरी से जून तक वो 10% बढ़ना है, तो फिर आप क्या करेंगे, 1,00,000, ठीक है, 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 6, उसके बाद प्लस कर लेंगे 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय अगर 10% है लेट से तो 1.1, या आप सीधा इसको ये कर लें कि 1,110 मल्टीप्लाई बाय 6,
ठीक है, तो ये आपका रेंट आ जाएगा 12,60,000 रुपया। अब ये 12,60,000 के ऊपर कितना टैक्स बन जाएगा 99,000। इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूरिंग द पीरियड एज पर एग्रीमेंट को इंक्रीमेंट भी अप्लाई होना है, जो रेज होना है, अगर आपने रेज देना है लैंडलॉर्ड को तो वो भी आप आज एज्यूम करेंगे कि उसका कितना टैक्स बनता है, यानी कि आज की डेट में आप उसको फोरकास्ट करके उसकी कैलकुलेशन करें, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए नोट्स में साथ मेंशन भी कर दिया कि एनुअल रेंट शुड बी फ्रॉम डेट ऑफ एग्रीमेंट टू जून, यानी कि जिस डेट को एग्रीमेंट हुआ है उस डेट से जून तक कैलकुलेशन करनी है। इफ़ एग्रीमेंट साइन इन लास्ट टैक्स ईयर देन जुलाई टू जून, कि अगर पिछले साल का एग्रीमेंट साइन हुआ हुआ है तो इस साल में ऑब्वियसली बात है फिर 12 महीने यानी कि 12 महीने पूरे आएंगे, तो अगर ये ड्यूरिंग द पीरियड साइन हुआ है तो फिर आपने उस डेट से जून तक उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो आज के छोटा सा जो लेक्चर था इसमें सिर्फ और सिर्फ जो मेन जो पर्पज़ था वो ये था कि एक कैलकुलेटर की मदद से आपकी जो क्लैरिकल काम है वो जल्दी हो, प्लस चांसेस ऑफ एरर, प्लस एक प्रोफेशनल लुक आपकी जो काम में जो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्ड हो कि आपने जो प्रोफेशनल इस काम को कैसे करना है। तो इसके अलावा जो अंडर सेक्शन 153 का जो कैलकुलेटर था वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, वो मैंने उसके ऊपर भी एक लेक्चर आपको बताया है कि उसको हमने कैसे यूज़ करना है, उससे क्या होगा कि आपका जो यानी कि इसके बाद जो अगला जो लेक्चर होगा वो उसके ऊपर मैं कोशिश करूँगा कि एडवांस इनकम टैक्स जो सेक्शन 147 है उसके ऊपर बनाऊँ कि उसके ऊपर जो इंस्टेंट आपने एडवांस इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है, फिर सैलरी के ऊपर ऑलरेडी आई थिंक मैंने शेयर किया हुआ है आपसे और उसके ऊपर भी एक यूट्यूब के चैनल के ऊपर लेक्चर पड़ा हुआ है। तो अगर आपने प्रॉपर क्लासेस लेनी है तो लिंक के अंदर जो डिटेल मेंशन है उस पर आप मुझे नंबर भी मेरा मेंशन है उस पर आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं फॉर फर्दर डिटेल, और जो लिस्ट ऑफ कंटेंट है यानी कोर्स में हमने क्या क्या कवर करना है वो भी उस लिंक में अवेलेबल है। और इसके अलावा एक टैक्सेशन सिस्टम पाकिस्तान का जो पेज है उसको लाजमी लाइक करें ताकि जो फ्यूचर अपडेट आपको मिलती रहे, और इनकम फ्रॉम अंडर सेक्शन 153 का जो टैक्स कैलकुलेटर है वो भी मैंने लिंक के अंदर दे दिया है। थैंक यू वेरी मच।